बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सेवन में आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला है सिग्मा टू इनवर्स देन बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास गिवन है मतलब एन एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम गिवन है इनवर्स फंक्शन क्या है कॉस इनवर्स तो इसका मतलब क्या है कि कॉस इनवर्स वर्स एल्फा वन प्लस कॉस इनवर्स एल्फा टू से लेके कॉस इन्वर्स एल्फाइन इसका वैल्यू क्या किवेन है जीरो किवेन है इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्म किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के क्यों बिकॉज uh, जो कॉस इनवर्स फंक्शन होता है ना उसका रेंज क्या होता है जीरो टू पाई रेंज जीरो टू पाई होता है इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा निगेटिव तो हो नहीं सकता है और तुम एन पॉजिटिव नंबर को एड करके जीरो नहीं बना सकते हो ठीक है तो इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी टर्म्स है ना ये हर एक किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है तो यहां से कॉस इनवर्स वर्स एल्फा वन इज इक्वल टू कॉस इन वर्स एल्फा टू एंड सोन कॉस इन वर्स एल्फाइन किसके इक्वल हो गया जीरो के तो यहां से हमने क्या बोला एल्फा वन इज इक्वल टू एल्फा टू से लेके एल्फाइन किसके इक्वल हो गया वन के ठीक है तो वन के इक्वल हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने क्या फाइंड आउट करना है आई इज इक्वल टू वन टू एन एल्फाई तो एल्फाई का क्या मतलब होगा यहां पे तुम एल्फा आई लिख लो दिस इज एल्फा आई दिस इज एल्फा आई यहां पे इसको ना तुम एल्फा आई कर लो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू जो है वो तो किसके इक्वल हो जाएगी एन के ये हमारा एल्फा आई आ गया दिस इज एल्फा आई ये किसके इक्वल हो गया एन के करेक्ट ऑप्शन so कैसे एन के इक्वल हो अल्फा थ्री सब किसके इक्वल है वन प्लस वन प्लस वन, टू कितनी बार होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एन तो हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट में क्वेश्चन नंबर एट में क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहा है पाई बाई टू तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ये जो हमारा कांस्टेंट वाला है ना हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स को हमने एक साइड रखा और ये जो कॉट इनवर्स वन टू उसको राइट हैंड साइड ले गए तो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स टू क्या होगा टेन इनवर्सू क्यों क्योंकि पाई बाई टू तो इसकी वैल्यू क्या हो गई टेन इनवर्स वन ओ टू ठीक है अब क्या करें अब यहां पे हम टेन इनवर्स वन टू को साइन इनवर्स में चेंज कर दे और फिर दोनों साइड से साइन इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो फिर एक्स की वैल्यू हमें आ जाएगी तो उसके लिए हमने क्या किया कि टेन इनवर्स वन ओपॉइंट टू को थीटा माना तो टेन थीटा वन ओपॉइंट टू हो गया तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा ये ट्राइंगल बना लो टेन थीटा वन ओपॉइन टू तो साइन थीटा क्या हो जाएगा वन ओपॉइन रूट फाइव थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉइन्ट रूट फाइव प्लस माइनस का चक्कर है नहीं क्यों बिकॉज टेन इनवर्स का आर्गूमेंट क्या हमारा पॉजिटिव इसका मतलब जो थीटा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन थीटा भी हमें पॉजिटिव मिल गया। तो so, थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गई वन अपॉन रूट फाइव तो वन अपॉन रूट फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन अच्छा यहां एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है अक्सर बच्चों को यहां पे हमने क्या किया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म का है ना अगर साइन इनवर्स को तुम एफ फंक्शन मानो तो ये क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाई का काम वन अपन रूट फाइव कर रहा है तो कभी भीक्वल टू एफ वाई गिवन है और हमें फंक्शन के बारे में नहीं पता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो हम एफ फंक्शन को कैंसिल नहीं करेंगे ये बात याद रखोगे यहां पर हमने कैंसिल किया उसके पीछे का रीजन है जैसे ऐसे गिवेन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई तो ये जो है ये इंप्लाई नहीं करता है एक्स इज इक्वल टू वाई इन जनरल अगर एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है एफ ऑफ वाई के तो ये इंप्लाई करेगा एक्स वाई के इक्वल होगा इफ एफ इज अ वन वन फंक्शन ये ऑलरेडी तुम लोगों ने रिलेज फंक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा तो ऐसी ही तो हम इंजेक्टिविटी प्रूफ करते थे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स अगर F of y के होगा, तो क्या पता चलेगा एक्स इज इक्वल टू वाई कब इफ एफ इज अ वन वन फंक्शन ठीक है तो हमें पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे बाइजेक्टिव है तो बायजेक्टिव है तो वन वन होगा ही इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ठीक है पढ़ लेना

इसका हम रेंज निकालेंगे ठीक है डोमेन की बात नहीं कर रहा है रेंज की बात कर रहा है तो इसका हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा ना वो लॉग फंक्शन का डोमेन हो जाएगा बिकॉज क्या है लॉग फंक्शन के आर्गुमेंट में लिखा हुआ है ना ये तो इसका जो रेंज होगा मतलब इसकी जो वैल्यू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर की जो वैल्यू जहां से जहां तक लाई करेगी मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो लॉक फोर 5 का क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा अब यहां से लेके यहां तक इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा से तक फंक्शन का जो लॉग ऑफ फाइव एक्स स्क्स एक्स प्लस का जो रेंज होगा वो cot इनवर्स का डोमेन हो जाएगा तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास फंक्शन है इसे हमने जीएक्स फंक्शन मान लिया इस पूरे फंक्शन को एच एक्स मान लिया और बात यहां से यहां तक एफ एक्स फंक्शन है ठीक है तो जी एक्स फंक्शन हमने लिया क्या ये फाइव एक्स स्क् माइनस एट एक्स प्लस फोर ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बोला था कि अगर डी लेस देन जीरो हो और एक्स स्क्वायर का कॉफिसेंट पॉजिटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर और डी लेस देन जीरो हो और स्क्वायर का हो तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगा ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सॉरी ग्रेटर देन लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो यहां हमने क्या देखा कि डी हमारा लेस देन जीरो है ए हमारा ग्रेटर देन जीरो है ठीक है देखो ए ग्रेटर मतलब कॉफिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है डिस्क्रिमिट कैलकुलेट कर लेना लेस देन जीरो मिला तो इसका मतलब कि जो क्वाड्रेटिक होगा ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा सारे रियल नंबर के लिए तो अब इसका हमें रेंज निकालना है तो रेंज के लिए क्या करेंगे एक तो पैराबोल अपवर्ड होगा फिर पॉजिटिव वैल्यू भी देगा अब पैराबोल अपवर्ड होगा तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है हमेशा माइनस बी ओपॉन ए और माइनस डी ओपॉन फोर ए ये आना चाहिए पैराबोला का हमेशा वर्टेक्स होता है चाहे वो दुनिया का कोई भी पैराबोला कैसा भी हो वर्टेक्स हमेशा यही होगा माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए तो ये कैलकुलेट हमने किया बी क्या हमारा ऑफ एक्स ए क्या कॉफिसेंट ऑफ एक्स स्क् डी क्या हमारा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ गया फोर ऑपॉइट फाइव कॉमा फोर ऑपॉइंट फाइव अब यहां से फॉर वाई इंटरसेप्टवल टू जीरो इसकी जरूरत थी नहीं हमें तो क्या करना है इसका रेंज देखना है तो इसका रेंज क्या क्या मिला हमें रेंज अपवर्ड है और वर्टेक्स एक्स कहा है फोर अपॉन फाइव पर तो रेंज क्या होगा फोर अपॉन फाइव टू इन्फिनिटी देख लो यहां से यहां तक ना पूरा वाई एक्सिस कवर हो जाएगा ना रेंज में ठीक है तो रेंज क्या होगा फोर अपॉन फाइव टू इन्फिनिटी ये सब करने की जरूरत थी नी एक्स इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत नहीं थी वो ये वाई इंटरसेप्ट की बस फिगर को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो डाला तो ये पॉइंट आ गया जीरो कम ऑफ फिगर कंप्लीट करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में तो जी फंक्शन का रेंज क्या हो गया फोर अपॉइंट फाइव टू इन्फिनिटी इसका मतलब ये जो फंक्शन लिखा है ना ये कहां से कहां तक जा सकता है फोरअपॉइंट फाइव टू इन्फिनिटी इसका मतलब कि जो लॉग फंक्शन है ना उसके आर्गुमेंट में कहां से कहां तक का नंबर आएगा फोरअपॉइट फाइव टू फोर अपाइव से लेकर इन्फिनिटी तक तो ये ये जो upon to infinity है ना इस फंक्शन फंक्शन मतलब ये GX का क्या हो गया रेंज हो गया और लॉग फंक्शन का क्या हो गया डोमेन हो गया अब हमें क्या करना है इस डोमेन पर इस डोमेन पर लॉग फंक्शन का वैल्यू देख लेना कहां से कहां तक लाई करेगा तो उसके लिए हमें पता है कि लॉग में बेस क्या दे रखा है फोरऑ पॉइंट फाइव तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा होगा ये कर्व Log का पता है ना बेस अगर जीरो से वन के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग होता है एक्स का हम डोमेन कहां से कहां तक लेंगे फोर ऑफ फाइव टू इन्फिनिटी ये ले लेंगे तो रेंज क्या मिलेगा इसका फोर ऑफ फाइव पर क्या होगा वैल्यू वन तो रेंज क्या मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू वन यही मिलेगा ना रेंज वाई एक्स पे जो कवर होता है उसी को तो रेंज बोलते हैं तो ये रेंज होगा तो इसका रेंज क्या हो गया एज फंक्शन का माइनस वन टू इन्फिनिटी अब ये जो माइनस वन टू इन्फिनिटी है ये अब

तो रेंज फाइनल क्या हो गया पाई बाई फोर टू पाई पाई बाई फोर इनक्लूडिंग पाई एक्सक्लूडिंग ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बीज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर है यहां पे अब बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कॉस इनवर्स है ना ये वही चीज है इस कॉस इनवर्स को क्या करो टेन में कन्वर्ट कर लो ये क्वेश्चन में कुछ अब बचा नहीं चलो मैं एक बार देख लेता हूं ये क्या बोला टेन ऑफ कॉस cos inverse अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्या बोला है पहले में कॉस inverse वर्स वन पॉइंट टू टेन इन वर्स माइनस वन अपॉइन्ट रूट थ्री कॉस वन टू क्या होगा सिक्सटी डिग्री माइनस टेन इनवर्स माइनस वन अपॉइन्ट रूट थ्री अच्छा ये मैं पहला अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन यही ना यार इसका वैल्यू क्या हो गया फाइव बाई थ्री और टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा माइनस फाइव बाई सिक्स तो ये हो गया सिक्सटी माइनस थर्टी क्या हो गया थर्टी थर्टी पर क्या हो गया अपॉन रूट थ्री अब इसका वैल्यू निकालना है इसके लिए तो पाई बाय थ्री हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा तो ये माइनस निकल के प्लस हो जाएगा अब ये साइन इनवर्स वन पॉइंट टू का वैल्यू क्या होता है थर्टी डिग्री तो थर्टी डाल दिया तो साइन सिक्सटी प्लस थर्टी साइन नाइनटी का वैल्यू क्या होता है वन अब क्या बोला कॉस ऑफ टैन इनवर्स टू तो बस ये कुछ नहीं है टेन इनवर्स टू को किसमें चेंज कर देना कॉस इनवर्स में प्लस माइनस का चक्कर नहीं है बिकॉज इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो यहां से अगर मान लो आर्गुमेंट नेगेटिव होता तो दिक्कत आ जाती तब फिर हम क्या करते प्लस माइनस का चक्कर होता कि जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया ना टेन थीटा को हमने टेन ऑफ टेन इनवर्स टू को थीटा बोला यहां से टेन थीटा निकाल लिया तो यहां से हमें कॉस थीटा ये जो स्टेप लिखा ना मैंने ये इसमें कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है क्योंकि हमारा Uh, क्या बोलता हूं टेन इनवर्स टू क्या है हमारा थीटा है तो यहां से ये आर्गुमेंट टेन इनवर्स का क्या है टू इसका मतलब कि जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा तो अगर थीटा पॉजिटिव होगा तो टेन इनवर्स टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब फर्स्ट क्वारंट में लाइक करेगा तो यहां से हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया ये क्या हो गया टेन इनवर्स टू थीटा क्या हो गया कॉस में निकाल लिया कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट फाइव और टेन इनवर्स टू इक्वल हो गया बस कुछ नहीं है यहाँ पेट टू तो फिर वही काम साइन इनवर्स वन अपॉन पॉइंट टू क्या होगा हमारा थर्टी डिग्री रूट थ्री बाई टू अब क्या होगा टेन ऑफ साइन इन थ्री ओ फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री ओ टू तो उसके लिए फिर वही कहानी इसे मान लेते अल्फा इसे मान लेते बीटा तो अब इतना हमने ये ट्रायंगल अब बनाने की अब शायद कुछ प्रैक्टिस भी हो गई होगी ये ट्राइंगल बनाने की जरूरत है नहीं साइन इनवर्स थ्री अपॉइंट फाइव तो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेनस हो गया तो बेस क्या होगा बेस फोर होगा थ्री फोर फाइव हमारा पाइथोग्राम ट्रिपलेट है ना तो बेस फोर होगा टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो थ्री अपॉइंट फोर डायरेक्ट लिख दिया कॉट इनवर्स क्या होगा कॉट इन ये क्या लिखा है इसको तो हम डायरेक्टली ही पे ला सकते हैं ना कॉट इन वर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इन वन अपॉन एक्स वो फॉर्मला लगा दिया तो क्या हो गया टेन इनवर्स टू बाई थ्री अब यहां पे क्या हो गया ऐसे हमने अल्फा बोला ऐसे बीटा बोला तो ये हो गया टेन ऑफ एल्फा प्लस बीटा तो ये क्या हो गया टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन एल्फा टेन बीटा टेन एल्फा का वैल्यू क्या है इसे हमने अल्फा बोला है ना इसे हमने अल्फा बोला है तो यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा की जगह डालोगे टेन इनवर्स थ्री अपॉइंट फोर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टेन अल्फा की वैल्यू थ्री अपॉइंट फोर और टेन बीटा की वैल्यू टू अपॉइंट थ्री ये डाल के कैलकुलेट कर लो सेवनटीन अपॉइंट सिक्स इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर टेन भी हो गया अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर इलेवन में सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ये सब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन स इनवर्स एक्स स्क्वायर सेकंड में क्या बोल रहा है टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इनवर्स थर्ड में क्या बोल रहा है अच्छा ये आर्क का मतलब क्या होता है ए आर सी आर्क कॉट स्क्वायर एक्स माइनस फाइव आर्क कॉट एक्स प्लस सिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉट इनवर्स को ना जो फॉरन ऑथर की बुक लिखी होती है उसे आर्क बोलते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स वहां लिखते हैं ए आर सी साइन एक्स ऐसे लिखते अगर मैंने लिखा ना आर्क साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा इसका मतलब क्या ये साइन इनवर्स एक्स अब बहुत बच्चे कलाकारी दिखाएंगे माइनस वन और टू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करेंगे उसके बाद लिख देंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स उसके बाद कॉल स्क्वायर एक्स तो ऐसी कलाकारी नहीं करनी हमें ठीक है यहां से ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये साइन इनवर्स एक्स ये जो माइनस है ना ये पावर नहीं है ये माइनस जो है इनवर्स बता रहे ऑलरेडी बताया जा चुका है ठीक है तो ये हमें प्रूफ करना है तो एक बार देख लेते हैं इसको भी स्टार्टिंग से पहला क्या है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ठीक है तो प्रूफ कैसे करें प्रूफ करें उसके लिए हमें आ, एक तो ये है प्रूफ करने के दो ऑप्शन है इन इक्वालिटी प्रूफ एक तो हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं दूसरा क्या है एलजेब्रिकली भी कर सकते हैं ग्राफ बनाना अगर इजी हो तो ग्राफिकली कर, करना इन इक्वालिटी प्रूफ ज्यादा आसान होता है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना बट यहां क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तो इजिली बन जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो ऑलरेडी पता है यह प्रॉब्लमेटिक ग्राफ है यह बनाना इतना आसान नहीं है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर तो उसका मतलब क्या है कि ग्राफिकली छोड़ देते हैं अब एलजेब्रिकली देखते हैं अब याद करो कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो कहां से कहां लाइक वो इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है तो याद करो डिक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग ग्राफ का प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने बता रखा है उससे भी पहले इस फंक्शन का डोमेन क्या है इस फंक्शन का डोमेन माइनस वन टू वन है यह बात याद रखो यहां पे अगर तुम एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन माइनस वन उसका स्क्वायर करोगे तो अगेन माइनस वन वन का स्क्वायर भी वन होगा और अगर तुमने जीरो से वन माइनस सॉरी माइनस वन से वन के बीच में कोई नंबर उठाया उसका स्क्वायर कर दिया तो वो भी माइनस वन से वन के बीच में होगा ठीक है तो इसका डोमेन क्या है माइनस वन टू वन इसका मतलब कि हम जो भी यहां से इन को सॉल्व करके जो भी हम एक्स का वैल्यू बताएंगे वो माइनस वन से वन के बीच में ही होगा इसी से ही हम बताएंगे मतलब इसी रेंज में इन का आंसर करेंगे ठीक है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने क्या बोला था अगर इनपुट पर एक्स वन पे आर्ग्यूमेंट पर फंक्शन अप्लाई करते हो तो इन का साइन चेंज हो जाएगा या फंक्शन हटाते हो तो भी इन का साइन चेंज हो जाएगा ये तो हमें पता है ये तो कई बार बताया जा चुका है बट फिर भी अगर x अगर हमें इंक्रीजिंग फंक्शन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एक्स वाई से ग्रेटर है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा एफ ऑफ वाई से और अगर हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है और x एफ ऑफ एक्स जो है हमारा मान लो ये यह, यहां से ये यह ट्रू है ऐसे तुम ऐसे जा सकते हो तो इसका मतलब कि ऐसे जा सकते हो तो यहां से ये यह भी ट्रू ऐसे भी जा सकते हो मतलब ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू जा हो, तो हो, तो हो जाएगा मतलब एफ एक्स अगर लेस देन एफ वाई से है तो अगर तुम इन इक्वालिटी हटाओगे तो एक्स इज ग्रेटर देन देन हो जाएगा अगर अगर जो है F है हमारा ग्रेटर ऑफ तो अगर तुम ग्रेटरिटी हटाओगे तो एक्स इज लेस देन वाई हो जाएगा ठीक है ये तो ऑलरेडी पता है तो हमने इन इक्वालिटी हटा दिया कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन इक्वलिटी हटाया तो आर्गूमेंट के बीच का साइन क्या हो गया रिवर्स हो गया अब ये तो सिंपल है बच्चों वाली इन इक्वालिटी आ गई अब ये तो हो गया ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो अब इसको तो सॉल्व करना आता है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है क्वाड्रेटिक में अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या मतलब होता है रूट के बाहर बाहर तो रूट हमारा क्या है जीरो एंड वन तो जीरो से पहले पहले और वन के बाहर बाहर मतलब वन से आगे जीरो से पहले और जो हमारा इनिशियल uh, रिस्ट्रिक्शन है जो डोमेन है इसी डोमेन में आंसर बताना है वो माइनस वन टू वन है दोनों का इंटरसेक्शन ले लो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए ये जो हमारा फर्स्ट लिखा है ये भी हमारा तो कोई बात नहीं है दोनों सेटिस्फाई तभी होगा जब दोनों का कॉमन वैल्यू होगा का तो हमने उसका तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो ये आ गया हमारा ठीक है अब यहां पे क्या बोला टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉट इनवर्स वर्स एक्स ये हमें सोल्व करना है तो उसके लिए हमने क्या किया कि ज्यादा बेटर हो गया कि हमने टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इनवर्स में ये को हमने टेन के टर्म में लिख लिया तो वो कैसे लिखेंगे हमें पता है ना कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है पाई बाई टू तो cot इनवर्स x क्या होगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स x यही होगा ना cot इनवर्स x तो यहां से क्या हो गया टू टेन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई टू तो tan इनवर्स x क्या हो गया ग्रेटर देन पाई बाई फोर अब इस इनक्वालिटी को मैं सोल्व करूं या इस इन को सोल्व करूं बात तो बराबर है तो कुछ नहीं इसका ग्राफ हमें आता है पाई बाई क्वल टू फाइव बाई फोर का भी ग्राफ आता है तो इसका इसका मतलब क्या है कि किसका वाई वैल्यू कब ग्रेटर होगा वहां देख लेते बना हुआ है यहाँ पे वाइज इक्वल टू फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स को एक फंक्शन माना तो वाईज इक्वल टू फाइव बाई फोर ये करवागे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अब हमें क्या देखना है कि टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर हो वाई तो इज इक्वल टू पाई बाई फोर से ठीक है तो इसका मतलब कहां ग्रेटर है टेन इसका ग्राफ यहां ऊपर आ गया तो इसके नीचे क्रॉस बॉन्डिंग एक्स देख लो इसके क्रॉस बॉन्डिंग एक्स क्या होगा वन टू तो इंफिनिटी तो वन टू तो इंफिनिटी हमारा आंसर हो गया यही बोला है ना कि इसका टेन इनवर्स एक्स का वाई मतलब टेन इनवर्स एक्स क्या वाई के इक्वल है ये ये भी इक्वल है तो टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू कब है ग्रेटर पाई बाई फोर से देख लो इस पोर्सन में जब एक्स का वैल्यू वन से लेके इन्फिनिटी है हाँ ग्रेटर है इक्वल वन पे तो दोनों का वैल्यू इक्वल है तो वन तो यहां इक्वलिटी तो है नहीं तो वन तो हम लेंगे नहीं तो हम क्या लेंगे फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग वन ठीक है क्यों बिकॉज वन पर क्या हो रहा है ये इक्वल हो रहा है ठीक है समझ में आ रहा होगा अब आ जाओ बच्चों थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आर्क कॉट स्क्वायर एक्स माइनस फाइव आर्क कॉट एक्स प्लस टी एक्स एक्स ऐसे लिखा है इसका मतलब x, तो ऑलरेडी बताया जा चुका है आर्क साइन एक्स लिखा है इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स तो इसको हमने लिख लिया आर्क कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव माइनस फाइव आर कॉट एक्स का मतलब क्या हो गया फाइव कॉट इनवर्स एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन ठीक है तो तुम क्या करो ये कॉट इनवर्स एक्स को एक मिनट के लिए अल्फा बोलो तो ये क्वाड्रेटिक लिखा नहीं दिख रहा तुम्हें अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव एल्फा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा अल्फा एल्फा माइनस टू एल्फा माइनस थ्री तो कॉट इनवर्स वर्स एक्स माइनस टू कॉट इनवर्स एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो हो गया तो यहां से हमें क्या मिल गया कॉट इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन थ्री और कॉट इनवर्स वर्स एक्स इज लेस देन टू अब इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो बीच में क्या हमारा और है ये पता है ना कि अगर ऐसी इन इक्वालिटी हो इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो हो तो हम क्या बोलते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स और वाई इज ग्रेटर देन जीरो यही बोलते हैं ना एक्स वाई अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो है इसमें इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ ना ये ये हमें पता है ना ये वाली चीज तो हमें पता है कि अगर मैं बोलू एक्स इन टू वाई इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर्म का आ रहा है एक्स इज लेस दे ठीक है ये एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो के फॉर्मेट में आ रहा है तुम इसको ऐसे देख लो कि यहां पे क्या होता है कि बीच में हमारे पास ना और होगा या एंड होगा इसको देखते हैं यहां बीच में अगर ऐसे लिखा है x ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा इसको पहले भी देखो उसके बाद आते हैं इसमें तो इसका क्या मतलब होगा इसमें तो एंड होगा x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड x इज लेस देन बीटा इसका मतलब कि ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए ये डबल इन इक्वलिटी है ठीक है अब यहां पे क्या है कि अगर लिखा है ना एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर ये लेस देन जीरो दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स का मतलब कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा एक्स जो होगा वो अल्फा से बीटा के बीच में होगा तो ये वाली चीज आ गई ठीक है यह वाली चीज आ गई अब अगर ऐसे लिखा हो देखो एक्स माइनस माइनस बीटा ग्रेटर तो आउटसाइड ये अल्फा है ये बीटा है तो इसका मतलब क्या होगा यहां से ये इधर आगे और यहां से पीछे तो इसका मतलब क्या है? यहां और है यहां क्या होगा एक्स जो होगा लेस देन एल्फा और एक्स जो होगा ग्रेटर देन ये और है इसको ध्यान में रखो और यहां पे क्या है एक्स जो है बीच में एंड होता है ठीक है तो इसके लिए क्या है कि इसको तुम ऐसे दिखो. यहां पे क्या हो जाएगा एक्स जो होगा तीन से बड़ा होगा बिकॉज ग्रेटर रूट क्या है थ्री थ्री से बड़ा होगा टू से छोटा होगा तो बीच में क्या होगा और होगा तो कुछ नहीं फिर हमने क्या किया एक बार इसको सॉल्व कर ले और एक बार इसको सॉल्व कर ले बीच में और है इसका मतलब यूनियन लेना है ठीक है तो उसके लिए हमने क्या किया ये कॉट इनवर्स एक्स का कर्व ड्रॉ किया उसके बाद इसको पहले हमने सॉल्व किया तो कॉट इनवर्स वर्स एक्स और तो यह वाइज इक्वल टू थ्री का ये कर्व हो गया वाईज इक्वल टू थ्री क्या होगा पाई बाई टू से बड़ा होगा बट पाई से छोटा होगा कहां पे कहीं पर ये लाइन होगा वाइज इक्वल टू थ्री ठीक है और वाइज इक्वल टू टू क्या होगा थ्री से छोटा होगा पाई बाई टू से बड़ा होगा तो ये लाइन होगी हमारा y इज इक्वल टू पाई बाई टू सॉरी वाई इज इक्वल टू टू क्लियर है यहां तक अब यहां से भी हमें जो x का वैल्यू आएगा और यहां से x का वैल्यू आएगा उसको यूनियन लेना है तो ये क्या बोला कॉट इनवर्स एक्स तीन से बड़ा हो तो ये देख लो यहां पे तो कॉट इनवर्स एक्स और y इज इक्वल टू थ्री इंटरसेक्ट कर रहा है ये बड़ा है पोर्सन अब ये पोर्सन इसके नीचे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ठीक है ये ऑब्वियसली बात है इसके नीचे एक, एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा कॉट थ्री यहां पे बताया जा चुका है यहां पे देखो यहां पे मान लो कि हमारे पास कोई भी एक कर्व है ध्यान से देखो ये कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व है कहीं पे भी अगर मैं बोलू कि ये एल्फा है तो इस पॉइंट का वाई कॉर्डिनेट क्या होगा टीन वर्स एल्फा ये जो कर्व है ना ये टीन वर्स एक्स का कर्व है बात को ध्यान से देखो अगर ये अल्फा है तो उसके क्रॉसबॉन्डिंग इस पॉइंट का वाई कॉर्डिनेट क्या होगा टी इनवर्स अल्फा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है अब अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट वाई कॉर्डिनेट पर यह बीटा है तो यहां से लेके ये क्या होगा मतलब एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट सिंपल टी बीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा टी बीटा कॉमा बीटा मतलब इस पॉइंट का कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा टी बीटा कॉमा बीटा नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए है मेरे पास जैसे मैं तुम्हें बोलू ना इसके लिए मैं तुम्हें अगर कोई भी मैं नाम ऐसे ले लू कोई भी कर्व ले लू ऐसे करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी ये टी इनवर्स एक्स का कर्व है ठीक है इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट क्या बोला इस पॉइंट को मैंने अल्फा बोल दिया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बहुत आसान है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या अल्फा कॉमा टी इनवर्स अल्फा ठीक है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर यहां पे मान लो कि ये पॉइंट हमारा बीटा है ये तो वाई कोऑर्डिनेट है तो उसके क्रॉसबॉन्डिंग हम कर्व पे आगे गए तो ये पॉइंट क्या होगा ये पॉइंट का क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिंपल हो जाएगा T बीटा कॉमा जीरो जैसे तुम ऐसे देख लो साइन इनवर्स का कर्व क्या होता है ये क्या हमारा पाई बाई टू और ये क्या हमारा माइनस पाई बाई टू ये क्या हमारा वन ये क्या हमारा माइनस वन अब मैंने बोला कि इसके क्रॉसबॉन्डिंग यहां कर पे गए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा साइन पाई बाई टू इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा साइन पाई बाई टू और वाई कॉर्डिनेट क्या है पाई बाई टू तो साइन पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू तो इसका मतलब वन कॉमा पाई बाई टू ये पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट का वाई कॉर्डिनेट क्या है हमारा माइनस फाइव तो इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा साइन ऑफ माइनस वन तो यही बोला जा रहा और इसमें कुछ है नहीं यही बात बताया गया यहाँ पे कि अगर ये हमारे टीन वर्ष एक्स का कर्व है अगर ये हमारा एल्फा है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग इस पॉइंट का वाई कॉर्डिनेट क्या होगा टीन वर्ष एल्फा और अगर यहाँ y कोऑर्डिनेट से लेके x कोऑर्डिनेट देखना है तो उसके लिए क्या करोगे ये अगर बीटा है तो इसका एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा टी बीटा ठीक है याद रखना जैसे कॉस इनवर्स एक्स का कर्व है अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट जो है हमारा ये पॉइंट क्या है ये लाइन ये जो पॉइंट है ना वाईज इक्वल टू थ्री लाइन है ये लाइन तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जीरो कॉम थ्री तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कॉस थ्री हो जाएगा यहां पे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थ्री हो जाएगा ठीक है अब ये अगर मान लो पॉइंट वन अपॉइंट थ्री है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये क्या होगा ये तो वाई कोऑर्डिनेट तो सिंपल है कॉस इनवर्स वन अपॉइंट थ्री क्यों बिकॉज वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स का कर्व है यार ही होगी बात समझ में तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया कॉर्ट थ्री इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया कॉर्ट टू ये क्या बोल रहा है तीन से बराबर है तो ये कर्व मिल गया यहाँ क्या बोल रहा है दो से छोटा छोटा ये कर्व मिल गया तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से, से कॉट थ्री पर आ जाओ इक्वालिटी है नहीं तो कॉट थ्री को छोड़ देंगे और यूनियन कॉट टू से लेके क्या कर लो कॉट टू से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी चले जाओ इक्वालिटी है नहीं तो कॉट छोड़ देंगे अगर ये सब मेरी बात नहीं समझ में आई ना तो सबको भूल जाओ ये ग्राफ ग्राफ इतना कॉम्प्लेक्स मत सोचो तुम तो सिंपल ऐसे सोचो कि कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है होता है ना ये सब जो ग्राफ बताया इसको छोड़ दो कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास क्या गिवन है कॉट इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन थ्री और कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज लेस देन टू कॉट इनवर्स एक्स क्या हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पर मैंने ना कॉट फंक्शन अप्लाई कर दिया तो कॉट ऑफ कॉट इन एक्स ये पूरा है किसका काम करेगा कॉट का आर्गुमेंट होगा एक्स लेस हो जाएगा ना कॉट ऑफ थ्री से कॉट कॉट इन एक्स क्या हो जाएगा खत्म हो गया एक्स इज लेस देन कॉट थ्री फिर अगेन इस पर हमने अप्लाई किया क्या हो गया ये कॉट इन एक्स हमारा लेस है टू से कॉट फंक्शन अप्लाई किया कॉर्ट ऑफ ग्रेटर देन cot 2 x is greater than 2 x is greater than cot 2 तो यहां से हमें क्या मिला फर्स्ट और सेकंड का यूनियन ले लो फ्रॉम 1 यूनियन 2 x cot 3 से क्या होगा छोटा होगा अब ये पता करना है कि cot 3 हमारा क्या है में से बड़ा कौन है तो ऑब्वियस सी बात है कि cot inverse x का जो फंक्शन होती सॉरी cot x फंक्शन जो होता है ना वो इंक्रीजिंग होता है कॉटेक्स फंक्शन यही होता है ना ये होता है कॉटेक्स फंक्शन तो कॉटेक्स जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा एक इंक्रीजिंग uh, फंक्शन होगा तो अगर कॉटेक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है कॉटेक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो कॉटेक्स के लिए क्या करेंगे हम तुम ऐसे देखो इसमें से यह बताओ कि कॉट टू और कॉट थ्री में से बड़ा कौन होगा अगर नंबर लाइन पे हमें डालना है ना कॉट टू और कॉट थ्री कहां रखेंगे टू को इधर रखेंगे थ्री को इधर रखेंगे या फिर हम ऐसे लिखेंगे कि ये कॉट थ्री हमारा और ये कॉट टू है हमारा कौन सा सही होगा तुम ये देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर कॉट इन वर्स एक्स तो ये हमारा पहले होगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि माइनस ये वाला चीज हो जाएगा ना डिक्रीजिंग है तो कॉट थ्री क्या होगा थ्री जो है हमारा डिक्रीजिंग है तो थ्री बड़ा है ना टू से तो कॉट थ्री क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा कॉट टू से ऐसे हो जाएगा ना तो ये इधर आएगा इधर आएगा तो कॉट थ्री ये हो गया और ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स इज एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू कॉट थ्री यूनियन कॉड टू टू, टू इन्फिनिटी ठीक है तो ये आगे बात समझ में यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इलेवन अब ये बच्चों बस एक क्वेश्चन बचा है ना तो इसमें नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये पंद्रह मिनट का काम है ठीक है जो अब क्वेश्चन है तो अब इसमें मैं क्या करूंगा कि अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उससे पहले मैं ना तुम लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा उसके बाद ये जो अभी बताया ना इसे यहां से फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से ठीक है ओके